BJP has claimed TMC workers have attacked candidate Rahul Lohar in conspicuous presence of Mamata's police. Rahul Lohar is not only a BJP candidate but also a renowned tribal leader of the tea garden areas. Renu Datta is joining us for more on this story. Renik, what is the allegation being leveled by the BJP? देखिए, आज पश्चिम बंगाल का 6 जगह में बाई इलेक्शन चल रहा है और इसी सिचुएशन में बीजेपी की तरफ से अभी एलिगेशन दिया जा रहा है कि अलीपुरदुआर का मदिरहाट में जो कंस्टिट्यूंसी है उस जगह में मुजाई चा बागान, मुजाई टी स्टेट जो है उसका 14 नंबर बूथ में एक हमला हुआ था। बीजेपी जो कैंडिडेट है राहुल लोहार, उनके गाड़ी के ऊपर हमला किया गया, और उनका गाड़ी को तोड़फोड़ किया गया। बीजेपी की तरफ से एलिगेशन है कि टीएमसी गूंस की तरफ से पहले तो इनका गाड़ी को घेर लिया गया था, उसके बाद ही राहुल लोहार को देखते हुए टीएमसी कार्यकर्ता जो है वो पत्थरबाजी करने लगे, पत्थर फेंका गया उनके गाड़ी के ऊपर, उनका गाड़ी को तोड़फोड़ किया गया। और उसके साथ साथ ही जो कैंडिडेट है यानी मदिरहाट कॉन्स्टिट्यूंसी, उस जगह का जो बीजेपी कैंडिडेट राहुल लोहार, उनके ऊपर भी हमला किया गया, उनको भी चोट पहुंचा है, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है, ऐसा भी बीजेपी की तरफ से कहा गया है। बीजेपी की तरफ से क्लेम किया गया है कि ये टी गार्डन एरिया का जो ट्राइबल लीडर है ये राहुल लोहार, इनके ऊपर जो हमले का घटना ये पूरा प्री प्लान किया गया था टीएमसी की तरफ से। और टीएमसी की तरफ से इस बारे में अभी तक कोई बयान नहीं आया ऑफिशियल्स ही, मगर टीएमसी का जो कार्यकर्ता उनके तरफ से कहा जा रहा है कि ये पूरा आपस का मामला था। बीजेपी के ऊपर हमला टीएमसी की तरफ से नहीं किया गया, जो लोकल पीपल्स की तरफ से बीजेपी का जो कैंडिडेट उनको अलाउ नहीं किया गया था और लोकल पीपल्स की तरफ से ही उनका गाड़ी के ऊपर हमला किया गया, गाड़ी को तोड़फोड़ किया गया। इसमें टीएमसी शामिल नहीं है, ऐसा टीएमसी की तरफ से बयान दिया जा रहा है। मगर इसी सिचुएशन में पश्चिम बंगाल का 6 जगह में जब बाई इलेक्शन चल रहा है, बाई इलेक्शन का सिचुएशन में, बाई इलेक्शन का कंस्टिट्यूंसी में बीजेपी जो कैंडिडेट उनके ऊपर हमले का घटना, इसको लेकर ही अभी बीजेपी और टीएमसी के बीच में जो तू-तू में फिर से एक बार चालू हो चुका है।